से जबरन निष्कासित की गई छात्राओं ने वीडियो द्वारा लगाई मुख्यमंत्री से प्रवेश दिलाने की गुहार। बाग कस्बा के एनडीजीएन स्कूल से जबरन निकाले गए विद्यार्थियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय से निकाले गए दर्जन भर छात्र और छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। पीड़ित छात्रों और छात्राओं ने बिना वजह विद्यालय से निकाले जाने की शिकायत अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक की। पीड़ित छात्रा ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को संबोधित वीडियो वायरल कर विद्यालय में एडमिशन दिलाने के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह, शिक्षक राहुल कुमार को विद्यालय से हटाए जाने की मांग की। विदित है कि 13 सितंबर को इन तीनों द्वारा 11वीं के छात्र यश और तनु को कक्षा से भगा दिया गया और तत्काल टीसी कटवाने का दबाव डाला, लेकिन दोनों ने टीसी नहीं कटवाने और नजदीकी अन्य विद्यालय न होने का हवाला देते हुए इसी विद्यालय में पढ़ने की इच्छा जाहिर की। इन दोनों की तरह और भी 8 से 10 विद्यार्थियों को इस विद्यालय से निकाला जा चुका है। विद्यालय से निकाले जाने पर पीड़ित दोनों छात्र व छात्राओं ने उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई, लेकिन कार्यवाही न होने पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ ट्विटर पर भी शिकायत दर्ज की। लेकिन जब इन्हें वहां से भी कोई उम्मीद न मिली तो इनका कहना है निष्कासित विद्यार्थी तरतर भटक रहे हैं और दोषियों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित छात्रा तनु और यश ने बताया कि अगर उनके एडमिशन नहीं हुए तो उनके भविष्य का क्या होगा। दोनों पीड़ितों ने प्रधानाचार्य व शिक्षक को अविलंब विद्यालय से हटाने और निकाले गए विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश दिलाए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की। आगरा से ब्यूरो चीफ अनिल कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी नमस्ते, मेरा नाम तनु है। मैं बहा के एनडीएन स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मेरे प्रिंसिपल योगेंद्र कुमार व शिक्षक राहुल कुमार व दुर्गेश कुमार ने मुझे स्कूल से जबरन निकाल दिया है। मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ और मेरा एडमिशन इस स्कूल में करवाएं तथा इन तीनों को स्कूल से निकलवाएं। मैं पढ़ना चाहती हूँ और अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। अभी हमारे साथ पूरे भारत में 200 से ज्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने आसपास फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और देश सेवा में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर।